मैं आपको बता दूं, हमने कुछ महीना पहले एक न्यूज चलाई थी जहां पे आपको बताया था कि ये जगह जहां हम खड़े हैं ये आरक्षित जगह है, यहां पर बांध काम बोले तो पत्ते का शेड लगाया जा रहा था, इस बारे में हमने आपको सूचना दी थी। क्यों मात्रे करके है, कालेर का है, वो कहता है कि मैं पांजरापुर से लिया हूँ, मेरी जगह है और मैं इसको बेचूंगा, कुछ भी करूंगा, यहाँ आने का नहीं, ये करने का नहीं, जाओ जहाँ जाने का जाओ। इसमें पॉलिटिकल लेवल पे लोग हैं। आणि 86 ला ही जागेवरती प्लेग्राउंड आणि स्कूल याचा रिझर्वेशन दिलेलं होतं। आम्ही बघितलं एक मात्रे म्हणून कोणीतरी आहे, तो इकडे येऊन कब्जा करत होता किंवा पत्रे मारत होता। ये अभी हमको ऐसा मालूम पड़ा कि यहाँ पे पार्किंग का पार्किंग करके वो यहाँ पे बनाने से माजा पसंद गाड़ी ची पार्किंग है, माजी एस गाड़ी है, ट्रक ची विटा ची गाड़ी है, तो पार्किंग साड़ी माजा कोनो 25 रुपए दर महीना घेतो, माजा पशी कार्ड पण आहे तो पार्किंग चा। ये इन्होंने दादागिरी करते हुए पूरा बाउंड्री बाउंड्री मारा था, फिर भी हमने अपना कंटिन्यू पत्र व्यवहार जो है तो कमिश्नर साहब के साथ में कार्रवाई का, प्रभाग समिति के वार्ड ऑफिसर जो है राजू वर्लीकर साहब, इनके मार्गदर्शन में यहाँ पे पूरा कार्रवाई हुआ है। अलग जो पार्टी जो भी कोई यहाँ पे बना रहा है, जो नाम से आपको मैं बताया मात्रे करके, उनने उनसे कुछ व्यवहार किया और वो जबरदस्ती यहाँ पे उसने बांधकाम किया, महानगर पालिका का कौन सा ही परवानगी लिया नहीं। भिवंडी शहर के जाने माने दिल्ली दरबार ढाबे के 3 डिशेस लोगों में काफी ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। गावटी हंडी, अरेबियन डिश मटन एंड चिकन राइस मंडी और मटन चाप तंदूरी, ये तीनों ही अपने लजीज जायके और यूनिकनेस की वजह से ढाबे पर आने वालों की पहली पसंद बन रहे हैं। अगर आप भी यहाँ आए तो इन डिशेस को जरूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के माडा कॉलोनी इलाके में। मैं आपको बता दूं, हमने कुछ महीना पहले एक न्यूज चलाई थी जहां पे आपको बताया था कि ये जगह जहां हम खड़े हैं ये आरक्षित जगह है, यहां पर बांध काम बोले तो पत्ते का शेड लगाया जा रहा था, इस बारे में हमने आपको सूचना दी थी, जिसको देखते हुए आज यहाँ पर मनपा की पूरी टीम और पुलिस प्रशासन के साथ आकर यहाँ पर जो पत्रा शेड था पूरी तरह से डेमोलिश करने का काम यहाँ पर चालू कर दिया गया है। हालांकि आधे से ज्यादा तोड़ दिया गया है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा जो लोग थे यहाँ पर काफी अफरा तफरी का माहौल है और पूरा तोड़ा जा रहा है। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, ये जगह जो है आरक्षित जगह है महानगर पालिका के हाथ में, और इसके बाद यहाँ पर प्ले ग्राउंड और स्कूल बनाने का बताया गया था, उसके बाद यहाँ पर पार्किंग जो है बनाई गई थी और पूरा पतरा शेड लगाकर यहाँ पर पार्किंग बनाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर आज मनपा के लोगों ने आकर जेसीबी चला के पूरा जो एरिया है वो पूरा क्लियर कर दिया है, आधे ज्यादा हो चुका है और यहाँ पर फिलहाल जो अंदर केबिन सोबिन थे वो सब भी तोड़ा जा रहा है। यहाँ के सह महानगर पालिका के सह आयुक्त प्रभाग समिति 5 के राजू वर्लीकर ने क्या कहा, पूरी जानकारी दी, इसके बारे में आइए सुनते हैं। ही माडा कॉलनीमध्ये इथे 86 ला नगरपालिकेने नगरपालिकेच्या अंडरमध्ये ही जागा आलेली होती 86 ला, आणि 86 ला ही जागेवरती प्लेग्राउंड आणि स्कूल याचं रिझर्वेशन दिलेलं होतं। तर आम्ही बघितलं एक मात्रे म्हणून कोणीतरी आहे, तो इकडे येऊन कब्जा करत होता किंवा पत्रे मारत होता, तर त्याच्यानंतर आम्ही इथे येऊन बघितलं आणि आम्ही पत्रव्यवहार केला, एक म्हाडा नागरिक काय व्यवस्था करू आम्ही तिथे त्या नावाने एक पत्र दिला पत्राची सांगितलं का अशा अशा पद्धतीने इथे म्हणजे लोकांनी फसवणूक पण होते आणि कब्जाही होतो, तर ते त्या अनुषंगाने आज महानगरपालिका इथे येऊन कब्जा करते आणि आम्ही लोकांची फसवणूक ना होई म्हणून आम्ही त्यावेळा 2 वेळा न्यूज पण लावली, तरी पण लोक ऐकत नव्हते, लोकांना असं वाटत होतं का इथे आपला काही होणार नाही, इथे आपल्याला जागा भेटणार, पण ती लोकांची खूप गैरसमज होती। हा बघा, हा एक मनुष्य इथे माझ्यासमोरच आहे, कि
कितने पैसे बताओ जर, बता कितना पैसा लिया था तुम्हारे पास? सर माझ्या पासून गाड़ी ची पार्किंग है, माझी यस गाड़ी है, ट्रक ची विटा ची गाड़ी है, तो पार्किंग साठी माझ्याकडून 2500 रुपये दर महीना घेतो, माझ्यापाशी कार्ड पण आहे तो पार्किंग चा। दिखाओ कार्ड, दिखाओ। हाँ माझ्यापाशी कार्ड है पार्किंग चा, दर महीना 2500 रुपये साठी मला आकारण्यात आलेले आहे। असे देऊन एक प्रकारे म्हणजे लोकांची खिचातून पैसे कसे काढायचे, गाड़ी मध्ये जातो तिथेच उभी आहे, लोकांच्या घेऊन पैसे कसे काढायचे हा उपाय चांगला राबलेला आहे। एक आरक्षित जागा म्हणजे सरकारी जागाला आम्ही त्याच्यावर कोणी कब्जा करून त्याच्यावरती एवढी म्हणजे एवढी दादागिरी येते तरी कुठून येणार, एवढी म्हणजे धत्तींग करतात तरी कुठून येईल लोक? हा सध्या महानगरपालिकेने चांगलीशी पद्धतशीर कारवाई करून इकडे सगळं जरा विल्हेवाट करून सगळा लावले दोन गाळ्यासाठी। देखिए इसकी, हाँ इसकी इसकी मालूमात माढ़ा के जो समिति है ये लोगों ने आयुक्त तो साहब को निवेदन दिया, पत्र दिया और बोले कि ऐसे ऐसे कब्जा चालू है तो इनके ऊपर तुम कार्रवाई करो जल्दी। तो इसी प्रकार से महानगर पालिका से जो कायदेसी डीपीएल प्रूफ होता है इस तरह से टाउन प्लानिंग से वल्वी साहब यहाँ के जो शहनिशाह अधिकारी है ये लोग यहाँ पे आए, ये लोगों ने घोषित किया और वो लोगों ने भी अहवाल दे दिया हमारे प्रभाग 5 में कि सदर से अला कुठल्या प्रकार कौन से इसमें परवानगी लिया नहीं है। फिर उसी हिसाब से आगे की प्रोसेस में करके उसकी सुनावनी अंतिम सुनावनी लेके कार्रवाई की। ये लोग क्या बनाना चाह रहे थे? ये अभी हमको ऐसा मालूम पड़ा कि यहाँ पे पार्किंग का पार्किंग करके वो यहाँ पे बनाना चाहते थे पे पार्किंग। अच्छा महानगर पालिका की थोड़ा तारी कार्रवाई चालू है, इसके आगे जो भी अभी आयुक्त साहब जो भी निर्देश देंगे वो हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। ये पांजरा पोल ट्रस्ट की जगह है, पांजरा पोल ट्रस्ट ने इसके पहले ये एक्वायर जगह किया महानगर पालिका ने, इनका जो आगे प्रोसीजर वो टाउन प्लानिंग से हो रहा है, फिर भी इनके ऊपर अलग जो पार्टी जो भी कोई यहाँ पे बना रहा है जो नाम से आपको मैं बताया मात्रे करके उनने उनसे कुछ व्यवहार किया और वो जबरदस्ती यहाँ पे उसने बांधकाम किया, महानगर पालिका का कौन सा ही परवानगी लिया नहीं। वो तो बताया ना आपको इसके पहले कि वो प्ले ग्राउंड और स्कूल के लिए। ये बताइए कि कुछ महीनों पहले यहाँ पर कब्जा हुआ था जिसके बाद तकरार की गई थी और आज यहाँ पर थोड़ा कार्रवाई की गई, ये जगह किसकी है? ये जो भूखंड है ना ये आरक्षित है स्कूल के लिए और प्ले ग्राउंड के लिए और इसी संबंध में हमने भिवंडी नागरिक माढ़ा कॉलोनी नागरिक परिषद समिति से के तरफ से कमिश्नर साहब को पत्र व्यवहार किया था कि ऐसी सी जगह है और उसके पूरे कागज पत्र हमने उनको साबित किए थे कि ये भूखंड जो है तो ये राखी हुए स्कूल रिजर्वेशन है और प्ले ग्राउंड रिजर्वेशन है, ये माढ़ा कॉलोनी संगम पाड़ा नदी नाका ये सब जगह के जो बच्चे हैं इनके लिए खेलने के लिए यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, खेलने के लिए मैदान होना चाहिए, ये सब हमने निर्देशन में दिया था और ये सब बार बार हमने आगे लोगों को भी मांग किया था कि ये जो कुछ यहाँ पे व्यवहार नहीं करे आर्थिक व्यवहार नहीं करे तो फसलुक तुम्हारी होगी और उसके बावजूद भी ये लोगों ने दादागिरी करते हुए पूरा बाउंड्री वाउंड्री मारा था, फिर भी हमने अपना कंटिन्यू पत्र व्यवहार जो है तो कमिश्नर साहब के साथ में करते हुए उन्होंने पूरी तरह से कार्यवाही प्रक्रिया करके पूरा जांच करके सबको डिटेल लेके फिर उसके बाद में आज ये कार्रवाई का प्रभाग समिति के वार्ड ऑफिसर जो है राजू वर्लीकर साहब इनके मार्गदर्शन में यहाँ पे पूरा कार्रवाई हुआ है और इस कार्रवाई से हम लोग खुश है कि हमारे जो माढ़ा कॉलोनी गांधी नाका संगम पाड़ा ये सब जगह के जो नागरिक है ये उनकी हक की जगह उनको आज प्राप्त होगी और यहाँ पे जल्दी हम लोग कमिश्नर साहब से मिलके कि स्कूल की और प्लेग्राउंड के लिए यहाँ पे आप फटाफट काम चालू करें ये मांग करेंगे।